सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बद वखत हम चो बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बगोए अद जन तुरा तेरे चाकर पाखा ना हों जती सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाहीं विसरिया। श्री गुर शब्द कमाई जन जीते पंच विकार तिन संतन कौ वंदना सिर चरणन परतार तिन संतन कौ वंदना सिर चरणन परतार हलत पलत दे राखे तखत चवर शतर दे मालक प्रगट गुरां की दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी पूर्ण गुरसिख पूर्ण संत पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे पहले ग्रंथी अते पहले हेड ग्रंथी धन गुरु नानक दे अनन सेवक बाबा बुढ़ा साहिब जी दी याद विच जुड़े हुए जोड़ मेले दियां हाजरियां भर रहे गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी फतेह परवानो सारे बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागे हो जोड़ मेले दियां हाजरियां भर के पंथ दे महान विद्वान कथावाचक प्रचारक साहिबान ज्ञानी साहिबाना ढाडी साहिबाना कविसर साहिबाना पासों गुरु के कीर्तनी जथियां पासों गुरु का जस सरवण करके लाहे लै रहे हो। दास तो पहलों पंथ दे विद्वान सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह जी अडिशनल हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहिब आप संगत नाल ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी दे जीवन प्रति बड़े विस्थार दे नाल बड़े डूंघाई वाले वचन आप संगत नाल सांझे कर रहे सन। कुछ समा प्राप्त होया आप संगतां दे दर्शन करन दा खालसा जी आप संगतां मैं वेख रहा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो जदों चले असीं उत्थे भी हजारां दी तादाद विच संगतां गुरु दरबार च नतमस्तक होण दे लई कतारां वध के घंटियां वधी खड़ोतियां दर्शनां दी तांग विच
सतगुरु अगे रजोईयां करन लई अरदासां करन लई झोलियां भराउण दे लई खलोतियां दर्शन करके मन गदगद हो जांदा है। जदों शहीदां साहिब बाबा दीप सिंह जी दे अस्थान ते जाईदा है तां वेख के हैरान हो जाईदा कि धन गुरु ते धन गुरु के सिख धन है सतगुरु तुसीं धन है तुहाडी सिखी जिन्ना तुसी महाराज अपने सिख नू उच्चा चुकिया इन्ना किसे धर्म दे विच किसे अपने मुरशद ने अपने मुरीद नू इन्ना मुरातवा नहीं बख्शिया। किते है कि गुरु दे बराबर उहदे सिख दी पूजा हुंदी होवे। मैं कहना है दुनिया दे लोको जे तुसी वेखना है गुरु ने अपने बराबर अपने मुरीद नू कर लिया है। जैसी पूजा गुरु रामदास दे दरबार विच गुरु दी हो रही है तैसी पूजा बाबा दीप सिंह साहिब जी ते बाबा बुढ़ा जी दी हो रही है। दुनिया ते तुहानू इहो जी उदाहरण किते होर नहीं मिलेगी। अज जदों इत्थे आए दास नूं हुक्म होया कि 8 बजे तो 9 बजे तक तुसां हाजरी भरनी है। असी समें नाल चले पर रस्ते दे विच हैरान हो गए वेख के इन्ना संगतां दे विच उत्साह थां थां लंगर लगे होए बड़े लंबे संगतां दी कतार इस स्थान ते हाजरियां भर लई जोड़ मेले ते आउण लई। पर इत्थे दीवान हाल विच आ के मन उन्ना प्रसन्न नहीं होया। असी रस्ते च गल करदे आ रहे सी मैं सिंह नूं कह रहा सी मैं कहा जिन्ने आ जोड़ मेले च आए है जे इन्ने आ दरबार दे विच हाजरियां भरन लग जाण जिन्ने आ जोड़ मेले दे विच ट्रैक्टरां ते उच्चियां उच्चियां आवाजां करके दुकानां दे उपर मस्करियां करन वाले जे आ सड़कां ते खलोण वाले दीवान दे विच बैठण लग जाण ता खालसे दा राज आउण नूं देरी नहीं लगेगी। संत आदर सिंह जी मस्तुआणे वाले महापुरख किसे सिंह ने कहा सी महाराज तुसी दीवान दे विच खालसा राज दी गल नहीं करदे। महापुरख कहण लगे भाई तू कौन है। कहण लग्या मैं गुरु का सिंह हाँ जी। कहिंदे अमृत वेले उठदा है। कहिंदे नहीं। कहिंदे नितनेम करदा है। कहिंदे जी नहीं। गुरु घर जाना है। नहीं जी। किते संगत हुंदी होवे संगत च बैठदा है बहुत घट जी। कहिंदे फिर खालसा राज बनाउणा किहने आ। महापुरखां दा वचन है कहिंदे जदों सारा खालसा गुरु दी शरण विच आउण लग जावेगा अमृत वेले उठ के खूहां ते डोल खड़कण लग जाणगे नितनेम करन लग जाणगे खालसा राज अपने आप ही हो जावेगा। अपने आप कलंगीधर पिता ने तुहानूं राज दे देणा। हुण जिहड़े हजारां दी तादाद विच सड़कां ते खलोते आ जे किते दीवान विच आ के बह जाण उन्हां दा लोक भी सवर जावेगा ते परलोक भी सवर जावेगा। क्योंकि कबीर एक घरी आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्ट जो किनो सो लाभ। खालसा जी तुसी भागां वाले जिहड़े बैठे हो क्यों जदों दरगाह जाना जाना सभना ने है सभना सहुरै वंजना सब मुकलावन हार। अज बाबा बुढ़ा जी दे स्थान ते आए हैं वह स्थान ते जिथे बाबा बुढ़ा जी ने 5 भौतिक शरीर त्यागे जिथे बाबा बुढ़ा जी ने सानू सिखिया दिती है कि पहली बार गुरु दे दर्शन किते गुरु ने कहा सी मैं इत्थों कदे ओले ना होसा ओ बार जिहड़ा मिलिया सी ओ अज इत्थे पूरा होया। जदों अखीरला श्वास लिया उदों मीरी पीर दे मालक छेवां गुरु नानक आप प्रतख दर्शन दे रहा।
खालसा जी आप अज इतने मंग की मंगनी है बाबा बुढ़ा जी तो सिख के जाना है। पहली बार बाबा बुढ़ा जी शरण च आए गुरु नानक देव जी दे। तुसी सुनिया सिंह साहब जी पासों महाराज सच्चे पातशाह नूं किया सच्चे पातशाह आ दुद्ध छको ते गुरु घर दे परमेश्वर दे घर दी कोई खबर सुनाओ। ते मेरे सतगुरु ने उस वेले जो वचन कीते किवें बाबा जी ने दसिया कि अकल दी गल बुढ़िया वाली गल कित्थों आई वो तुसी इतिहास सुन लिया। बाबा जी ने दसिया कि हरी नाही नह डडरी पक्की बढ़न हार। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उस वेले छाती नाल ला के कहा सी बुढ़िया तू गुरु नानक दे घर दा बूढ़ा नहीं बुढ़ा है तैथों मैं कदे भी ओले ना हो सा। भावें किसी भी रूप च मेरी जोत होवे किसी भी थां ते होवे तू किते भी होवे मैं तैथों ओले नहीं होवांगा। गुरु अंगद देव जी दे रूप विच गुरु अमरदास जी दे रूप दे विच जे गुरु प्रगट करन दी लोड़ पई तां बाबा बुढ़ा जी ने कीता। जे गुरियाई दे तिलक दित्ते तां बाबा बुढ़ा जी ने दित्ते। छेवें पातशाह तक पंज गुरु साहिबाना नूं गुरियाई दा तिलक बाबा बुढ़ा जी ने दित्ता। अगे बाबा बुढ़ा जी दी वंश ने गुरियाई दे तिलक दित्ते। दसम पातशाह तक गुरियाई दा तिलक 9 साल दे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने ते उस वेले 5 साल दे ने भाई राम कोयर जी बाबा बुढ़ा जी दे पोतरे जिन्हां नूं गोदी चुक के लिआंदा गया ते गुरियाई दा तिलक 5 साल दे भाई राम कोयर जी ने बाल गोविंद राय नूं गुरियाई दा तिलक दित्ता है। ते जदों गुरसंगत जी खालसा साजिया है तां उस वेले पहलियां कतारां विच अमृत छकण वाले ओह भाई राम कोयर जी बाबा बुढ़ा जी दे पोतरियां दे थां ते उहनां ने अमृत छकिया ते 5 ने नाम रखिया बाबा गुरबख्श सिंह। जो अमृत छकिया तो मुढ़लियां कतारां विच बाबे बुढ़े दी बंश। मैं कहना कैसी सिखी धन बाबा बुढ़ा साहिब जी। पहला मत्था जे किसी गुरु नूं टेकिया तो बाबा बुढ़ा जी ने टेकिया। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिस वेले गुरियाई का तिलक गुरु अंगद देव जी नूं देना है परख होई है भाई लहना जी प्रवान होए है उस वेले बाबा बुढ़ा जी नूं भी महाराज सच्चे पातशाह ने परखिया है। बाबा बुढ़ा जी नूं कहा सी बुढ़िया मैथों की लेना है चलिया जा आ हीरे जवाहरात चुक लै माया चुक लै। बाबा बुढ़ा जी हाथ जोड़ के खलोते रहे। धन गुरु नानक देव जी कहन लगे बुढ़िया गया नहीं। बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जावा किथे होर कोई थां ही नहीं एक तेरे दर तो बिना तेरे घर तो बिना मैनू कोई थां ही नहीं कोई टिकाणा नहीं जावा किथे। फिर मेरे सतगुरु ने छाती नाल लाया फिर बर दिते बाबा बुढ़ा तू सिखी दी हद है तैथों परां सिखी नहीं है जिन्नी सिखी है तू कमा ली है। आखो सतनाम बाबे बड़े बुढ़े तो बिन बड़ा कोई सिख नहीं दुनिया दे विच। बाबा बुढ़ा तू सिखी दी हद है हद तो परे कुछ नहीं हुंदा। बाबा बुढ़ा नूं सिखी दी हद दा बार मिलिया। गुरु अंगद साहिब नूं गुरियाई दा तिलक देण दा समां आया तां बाबा बुढ़ा जी नूं बुलाया। बाबा बुढ़ा जी ने गुरियाई दा तिलक दित्ता है पहला मत्था बाबा बुढ़ा जी ने टेकिया। सिखां दे विचों संगत दे विचों पहला मत्था किसने टेकिया है बाबा बुढ़ा जी ने। मैं कहना किड्डा भागां वाला मत्था होवेगा। खालसा जी वेखो हुणे हुणे गुरियाई दी जोत अंदर टिकी आ भाई लहणे दे गुरु अंगद बणे आ ते ओ चरना ते किड्डी बख्शिश होवेगी। पहला सीस पहला मत्था छोहण वाला भागां वाला सिख कौन बाबा बुढ़ा जी। ते जे किते बौली साहिब दी सेवा दा जिक्र आउंदा है
पहला टक की ने लाया है। गुरु अमरदास जी ने याद किया बाबे बुढ़े नू बौली साहब का टक बाबा बुढ़ा जी तो लवाया। जे गुरु अमरदास जी महाराज नू गुरियाई का तिलक देने वेले पहला मत्था टेकिया बाबा बुढ़ा जी ने टेकिया। जे गुरु रामदास जी महाराज नू गुरियाई का तिलक देने तो बाद पहला मत्था टेकिया बाबा बुढ़ा जी ने टेकिया। सिख इतिहास गवाह है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज सचे पातशाह नू गुरियाई का तिलक मिलिया। तिलक मिलने तो पहला लाहौर सतगुरु गए है गुरु रामदास जी दे हुकम नाल। बाबे पिरथी चंद ने चिट्ठियां लकोईयां गुरु अर्जन देव जी महाराज वालियां, वो तुसी सारे बाणी पढ़दे हो। शब्द हजारियां दे विच शब्द दा जिक्र आउंदा, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याई, त्रिखा न उतरा शांत न आवा, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हौ घोली जियो घोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। ये पहली चिट्ठी सी ते बाबे पिरथी चंद ने लकोली सी। फिर दूजी चिट्ठी भेजी, वह भी पिरथी चंद ने लको लई, तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुन वाणी चिर होआ, देखे सारंग पाणी धन सुदेश, जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मरारे जियो, हों घोली जियो घोल कमाई, गुर सज्जन मीत मरारे जियो। फिर तीजी चिट्ठी भेजे, तीजी चिट्ठी लिखी, एक घड़ी ना मिलती ता कल युग होता, हुण कद मिलिया प्रिया तुद भगवंता, मोह रहण ना बिहावै नींद ना आवै, बिन देखे गुरदरबारे जियो, हों घोली जियो घोल कमाई, ते सच्चे गुरदरबारे जियो। लिख के तीन अंक पा दिता। सिख नूं कहा वी चिट्ठी जाके मेरे सतगुरु नूं उहदे हथ च देनी है, ये चिट्ठी किसी नूं होर नहीं फड़ाउणी। जदों गुरु रामदास जी कोल चिट्ठी आई, महाराज ने तीन अंक पढ़े है, अंतरजामी सतगुरु ने पिरथी चंद दा खोट जाण लिया, समा नहीं इजाजत दिंदा इस पासे जाण दा। फिर बाबा बुढ़ा जी नूं महाराज गुरु रामदास जी ने कहा वी जाओ तुसीं लाल जी नूं लाहौर तो लैके आओ, जिथे चूना मंडी लाहौर गुरु रामदास जी का प्रकाश स्थान धर्मशाला, उत्थे रह के दो साल गुरु अर्जन देव जी ने गुरु बनने तो पहला सिखी का प्रचार किया। बाबा बुढ़ा जी लेके आए है। जदों बाबा बुढ़ा जी लाहौर पहुंचे है, धन गुरु अर्जन देव जी ने देखिया बाबा बुढ़ा जी ने दूरों आउंदिया अगों सिंघासन तो उठ खलोते है गुरु अर्जन देव जी। बाबा बुढ़ा जी दे चरणी मत्था टेकन लगे, बाबा जी ने गलवकड़ी च लै लिया, पता है क्योंकि बर मिलिया होया कि गुरु जोत तैथो ओले ना उस। हुण जिहड़े इक हिरदे घर च गुरु जोत ने टिकना है, वह घर का भी ज्ञान है बाबे बुढ़े नूं कि ये घर च जोत ने आना है। बाबा बुढ़ा जी ने शीश झुकाया, लाहौर तो गुरु अर्जन देव जी नूं गुरु रामदास जी कोल लैके आए है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी ने भरी सभा दे विच सारी संगत, उस वेले पिरथी चंद नूं कहा, पिरथी चंद तां चिट्ठियां लकोईयां, तैं खोट कीता गुरु बनण वास्ते, हुण तैनूं मौका दिंदे आ। तीन पदे इहनां ने उचार दित्ते आ शब्द दे, चौथा पदा तूं उचार दे, तैनूं गुरु बना देंगे। हुण गुरु कोई कविता रच के तो बन नहीं सकता। अजकल बड़े लोग झूठियां कवितावां रच रच के गुरु ग्रंथ साहब जी की बराबरता करनी चाहते। बरिया ने कच्ची बाणी पहलों भी लिखी, तो अज भी बड़े कच्ची बाणी अपनी लिख लिख के गुरु ग्रंथ साहब की बराबरता करनी चाहते है। ना पहलों बराबरता हुई है, तो ना हुण किसी दे बराबरता होनी है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज नूं फिर गुरु रामदास जी ने हुक्म किया, पुरखा हुण तुसीं उचारो। फिर सतगुरु जी ने चौथा पदा उचारिया, भाग हुआ गुरसंत मिलाया,
प्रभ अविनाशी घर मह पाया सेव करी पर जसन विछुड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। सतगुरु जी ने चौथा पदा उचारे धन गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह उस वेले वचन करन लगे बाबा जी गुरता गद्दी किसनू देईए। देखो गुरु नानक ने भी सलाह लई, गुरु अंगद देव जी ने भी सलाह लई, गुरु अमरदास जी ने भी सलाह लई, ते अज गुरु रामदास जी भी सलाह रह रहे। बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़े हमेशा की तरह सच्चे पातशाह तुहाडे दर दा हाल वाहुण वाला सिखा मैं, तुसी अंतर जामी तुसी पूरे सतगुरु महाराज। महाराज मुस्कुरा के कहन लगे बाबा जी ये बड़ियाई तुहानू प्राप्त है कि तुहाथों कदे ओले ना होसा, हुण तुसी इशारा करो किस घर दे विच जोत जानी है। उस वेले फिर बाबा बुढ़ा जी कहन लगे सच्चे पातशाह तुसी अंतर जामी हो, आप जी का हुक्म प्रवान। महाराज मेरे अंदरों दिल कहिंदा है कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज वाले इशारा करके कहन लगे तुहाडी जोत हुण इस घर दे विच आवेगी। धन गुरु रामदास जी महाराज ने गुरियाई का तिलक दिता है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तिलक बाबा बुढ़ा जी ने दिता है, ते पहला मत्था भी सिखां दे विचों बाबा बुढ़ा जी ने टेकिया। तुसी सुनिया इतिहास दे विच बीड़ साहब बाबा बुढ़ा जी नूं हुक्म होया है, ते जदों इधरों गल चली है पिरथी चंद दे घर दे विच, पिरथी चंद दी घरवाली कहिंदी है कि पिरथी चंद नूं कि तुसी तां कहिंदे सी गुरु मैं बणूंगा, गुरु तुहाडा भरा बन गया, तुहाडे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। घरवाली दा मीणा ताना सुन के पिरथी चंद कहन लग्या भगवान ने फिक्र क्यों करदी है जे मैं गुरु नहीं बनिया मेरा भरा बन गया, मेरे भरा तो बाद मेरा पुत ही गुरु बनेगा, मेरे भरा दे घरे औलाद नहीं, उहदे घरे कोई बच्चा नहीं, तू फिक्र ना कर उन्हां तो बाद अपना पुत्र मेहरबान गुरु बनेगा। हुण करमो पिरथी चंद दी घरवाली ने जदों सुनिया, सुन के बड़ी खुश होई, उह घर दे विच काम करन वाली जिहड़ी सेवक सी उह गुरु घर च वी सेवा करदी सी, उन्हें आके मात गंगा जी नूं दस्या माता जी अज पिरथी चंद ते उहदी घरवाली ने आ मशवरा कीता है। माता गंगा जी नूं हुण पुछिया लोड़ीदा कि जिन्हां दे घर दे विच सब कुछ होवे ते घरे लाल ना होवे औलाद ना होवे, उहनां नूं पता है वी औलाद ना होण दा दुख किड्डा वड्डा है। ये दुख दूर करन लई बख्शिशां करन लई बाबा बुढ़ा जी नूं जरिया बनाया मेरे सतगुरु ने, क्योंकि आउण वाले समें दे विच झोलियां भरनियां ने ते सिखां नूं माण देना सी, अपने दर दे ग्रंथियां नूं अपने दर दे सेवादारां नूं ये माण देना सी। माता गंगा जी ने सतगुरु गुरु अर्जन देव जी नूं बेनती कीती सच्चे पातशाह तुसी सचखंड श्री हरिमंदर साहब बैठ के आए सिखां दीआं झोलियां भरदे हो, नपुत्तियां नूं पुत दिंदे हो, महाराज खाली झोलियां वालिआं दीआं झोलियां भरदे हो, पातशाह तुहाडी सेवकणी दी महाराज झोली खाली है, मेरी भी झोली भरो। हुण अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश करनी सी क्योंकि साडे लई सेध देनी है, महाराज ने राह बख्शण सानू, हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चल है, गुर चाली है गुर चाली है, जे किसे घर औलाद नहीं उहने कबरां ते नहीं जाणा, जे किसे घर औलाद नहीं किसे सियाणे कोल नहीं जाणा, जे किसे घर औलाद नहीं उहने किसे धागे तबीत वाले कोल नहीं जाणा, किथे जाणा है गुरु दी शरण विच, गुरु अगे अरदास करनी है। गुरु साहिब ने अपने सिख नूं माण दिता, सिख अरदास करदा है,
अपने दर दे हेड ग्रंथी नूं माण दिता, ग्रंथी नूं माण दिता है, अपने दर दे सेवक नूं सिख नूं माण दिता है। गुरु का सिख अरदास करदा ते झोलियां पहलों भी भरी जांदियां सी ते अज भी भरियां जांदियां। मात गंगा जी नूं इशारा कीता कि जाओ गुरु घर दा इक ऐसा सिख जिन्हें गुरु नानक तो लैके जिथे दर्शन कीते आ उथे गुरु अंगद देव जी तो लैके गुरियाई दा तिलक सानू बख्शदे आ रहे आ। जिन्हों भर प्राप्त है तेरे तो अगे सिखी नहीं है, तू सिखी दी हद है। जिन्हों भर मिलिया होया कि गुरु की जोत तो इतों कदे ओले ना होवे। वो ऐसा महान सिख पूर्ण जपी तपी धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी उन्हां तो अरदास कराओ। तो मात गंगा जी गुरसंगत जी उस वेले सिर ते लस्सी मिसे प्रसादे प्याज मखनी माता जी लेके गए है। एक सेवक बीबी नाल है। जदों माता जी गए आ बीड़ साहब, बाबा बुढ़ा जी अगों गुरसंगत जी माता जी नूं आउंदिआं वेखदे आ ते अगों बाबा बुढ़ा जी खलो के माता जी नूं नमस्कार करके हाथ जोड़ के बेनती करदे आ, मां मामा नूं ही बच्चियां दी भुख दा ज्ञान हुंदा है। जे बच्चा भुख हो भुखा होवे मां कम छड के आ जांदी है बच्चे नूं रजाउण वास्ते। धन है तू मात गंगा, मैं भुखा सी मैं कल दा कुछ नहीं सी सकिया। धन है मात गंगा तू अपने पुत्र बुढ़े नूं प्रशादा छकाउण आ गई, एडी दूरों नंगे चरणी आई है। मात गंगा जी ने प्रशादा छकाया। तुसी सारे इतिहास जानते हो, जदों जिमीदारा करन वाला कोई परिवार प्रशादा खेत लेके जांदा, पहला सवाणियां खेत प्रशादा लेके जांदियां सिर ते चुक के, तो उत्थे खाल ते बैठे हाथ धो के किसान ने प्रशादा हाथ ते रख लेना। उत्थे किहड़े थाल हुंदे, कड़ियां पत्तलां हुंदियां, तो प्रशादा वे होटलां नालों ज्यादा स्वाद लगदा। मैं कहना फाइव स्टार होटलों च प्रशादा वो स्वाद नहीं लगता जिहड़ा खेत बन्ने बैठ के प्रशादा छके दा आनंद आउंदा। उत्थे चार नाल चटनी नाल प्याज नाल जो प्रशादे दा उत्थे खेत च आनंद आ, किते आनंद नहीं आवेगा। गुरु घर दा हाली, गुरु घर दा किसान सिख बाबा बुढ़ा बन्ने ते बैठा होया, खेत हाथ विच मिसे प्रशादे ले आए, प्याज ले आए। माता जी ने उस वेले वक्त विचारे सो बंदा होए। माता जी कहन लगे बाबा जी हुण गुरु घर दे सरीक मेहणे मारन लग पए आ कि गुरु घर धन पुत्ता है। बाबा बुढ़ा जी ने उस वेले प्याज ते गंढे ते मुक्की मार के कहा माता जी कौन कहना तेरे घर पुत्र नहीं है, तेरे घर ऐसा महाबली योधा पुत्र आवेगा जिमें आ गंढे दा असी सिर भन्ने इं जंग विच बैरियां दे सिर भन्निया करेगा। बाबे बुढ़े ने बर दिता है, आकाश दे विच बिजली चमकी है। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे माता जिमें आकाश विच बिजली चमकदी है इं तेरे पुत्र दी शमशीर जंग दे विच बैरियां च चमकिया करेगी। धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ने उस वेले बड़े बर दिते है। ते फिर मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज पंज प्याले पंज पीर सठम पीर बैठा गुरभारी सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज दे घर दल भंजन गुरसूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी पुत्र आया। वो बाबे बुढ़े की अरदास, बाबे बुढ़े का वर पूरा होया। अज भी खालसा जी देखो बीड़ साहब इत्थे हरिमंदर साहब जिथे भी तुसी देखते हो बाबा बुढ़ा जी दे स्थान, अज भी संगतां पुत्रां दीआं दातां मंगदियां। जिन्हां नूं दुनिया चो किते दात ना मिले बाबे बुढ़े दे दर तों झोली भरी जांदी आ। पिछे जे एक कॉलेज दे प्रिंसीपल बीबी
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋੜ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗਈ ਉਵੇਂ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਜਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਵੇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਚੀ ਵੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਹੱਥੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਧੰਨ ਆ ਤੂੰ ਬੇਰੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਧਰੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 64 ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕਾਹੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੱਸ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਾ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ
जे शस्त्र अभ्यास सिखाया है, बाबा बुढ़ा जी ने सिखलाया, उस वेले इतिहासकार लिखते हैं कि तैरन की विद्या, तैराकी की विद्या वे, नक्षत्र विद्या वे, 64 प्रकार की विद्या बाबा बुढ़ा जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिखाई। ये कितों आई हैं बाबा जी ने? बाणी दस दी है कितों आई हैं? तुद ध्यान वेद कतेबां सन खड़े, गणती गणी ना जाए तेरा दड़ पड़े। कहिंदे जिहड़ा ओह गुरु नानक नूं ध्यांदा है, गुरु गुरु करदा है, वाहिगुरु जपदा है, बाणी पढ़दा है, उहदे अगे वेद कतेबां वी आके हथ जोड़ के खलो जांदे आ, सारियां विद्या नूं प्रगट हो जांदियां ने। ते कोई कहे करके तां वेखे, सिख इतिहास दे विच ये कला प्रतख वरतदी है। मैनू किसी गुरमुखा ने दसिया कि बाबा बुढ़ा जी 110 जपजी साहब दे पाठ रोज करिया करदे सी। इन्हां नितनेम सी बाबा बुढ़ा जी, 108 पाठ बाबा दीप सिंह साहब जी, 110 पाठ बाबा बुढ़ा साहब जी। इन्ना महान नितनेम, इन्नी सेवा। ते जदों परिक्रमा दे विच हरिमंदर साहब का जिक्र आउंदा है, वजीर खां आया है, बादशाह का वजीर है, नाम ही वजीर खां है। उन्हूं जलोदर का रोग है, पेट का, पेट विच पानी भर गया, किते इलाज नहीं सी। किसे कहा भी जा गुरु अर्जन देव जी की शरण विच जा, वो तेरा रोग ठीक करनगे। जदों हरिमंदर साहब आया है, गुरु अर्जन देव जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह मेरा रोग ठीक कर दियो। बादशाह दे साही वैद भी इलाज कर कर थक गए, उन्हां तो इलाज नहीं हो सकिया। महाराज हुण तुहाडी शरण विच आया, तुसी ठीक कर दियो। पता की किया मेरे सतगुरु ने? महाराज कहण लगे, वजीर खां, बादशाह दे साही वैद जिहड़े रोग नहीं ठीक कर सके, वह रोग तेरा पता कित्थों ठीक होना है? ओ सामने टोकरी ढोरिया सिख, नाम है उहदा बाबा बुढ़ा, जा उहनूं बेनती कर, वह तेरा रोग ठीक करेगा। देखो सिख इतिहास प्रसंग मिलता है, कहिंदे वजीर खां हुण रोगी आ, तड़फ रिहा। उस वेले बादशाह दे साही वैदां तों वड्डा वैद किहड़ा होवेगा? वह हाथ खड़े कर गए, उन्हां तो ठीक नहीं आया, उन्हूं कोई होर दर नहीं दिसदा, सतगुरु कोले आया, सतगुरु ने बाबा बुढ़ा जी कोल भेजता। बाबा बुढ़ा जी कोल आके कहन लग्या, बाबा जी मैनू जलोदर का रोग आ, मेरा रोग ठीक कर दिओ। बाबा बुढ़ा साहब कहन लगे, निम्रता है ना सिख दे विच, गुरु दे कोल सिख आपा नहीं जनाउंदा, निम्रता दे विच रहिंदा है। मैं नाही किश हौ नहीं, कश आहे ना मोरा, अवसर लद्दा अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा। कबीर, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सका शरीर, ये सिख कहिंदा है। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सका शरीर, सिख कहिंदा है, ना हौ जती सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुकदा जन्म पया, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शरमा। सतगुरु ने दसिया भी सिख की अरदास की। बाबा बुढ़ा जी कहिंदे, तैनू किने कहता भी मैं ठीक कर दा? वजीर खां कहिंदा भी सतगुरु जी ने कहा। बाबा जी कहिंदे, भलिया लोका तैनू टाले आ, मैनू कुछ नहीं आउंदा, इह तां सतगुरु ठीक करनगे, उहनां कोले जा। उह वचन मन के सतगुरु जी कोल गया, गुरप्रताप च जिकर आउंदा, सतगुरु जी कहिंदे, तैनू किहा बाबा बुढ़ा ठीक करू, तू फिर आ गया इधर? कहिंदा जी, बाबा जी ने कहा भी तुसीं ठीक करोगे, तुसीं टालिया। कहिंदे नहीं, जा बाबा बुढ़े कोले जा, उह ठीक करनगे। बाबा बुढ़ा जी कोले आया, बाबा जी टोकरी ढो के आए सी। बाबा जी कोले आके कहन लग्या, बाबा जी सतगुरु जी ने फेल तुहाडे वल भेज दिता है। वो कहिंदे, भलिया लोका है, तैनू पता नहीं, वो आप दीन दुनिया दे मालक ने, आप गुरु नानक दा पंजवां जामा ने,
ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਚਰਨ ਪੜੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਰਵਾਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੀ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁੜਕਾਇਆ, ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਮੇਤ ਚੂੜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਵਾਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ ਵਗਾ ਕੇ ਪੇਟ ਤੇ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਲਤ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਿਲਦਾ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਾਰਾ ਫੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 98 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਲਕੀ ਜੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲ ਕਹਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੋਢਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਲਕੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਸਿੱਖਾ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੀ ਆ ਪਾਲਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ,
मेरा चित कीता कि तुहाडी पालकी नूं मैं मोढा देवां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे उस वेले इन्ने प्रेम विच आए बाबा बुढ़ा जी नूं गुलवक्कड़ी च लिया ते बाबा जी नूं कहिण लगे, बाबा जी मेरा चित करदा है तू मेरा बाबा है, मैं तेरे चरणां नूं चुम लवां। बाबा बुढ़ा जी चरनी ढह पए, सतगुरु ये कदे हो सकदा है, तू मेरे सिर दा ताज, तू मेरा सतगुरु। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी बड़े प्रेम विच ने, मैं संखेप विच बेनती करां, समा हो गया, अज दा समा आया जदों बाबा बुढ़ा जी ने सुनेहा भेज के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन मंगे आ, महाराज ने दर्शन दिते आ, ते अखीर तुसी सिंह साहब जी दी रचना तो सुनिया किवें बाबा जी ने शरीर छड्डिया, जपजी साहब दा पाठ कर रहे आ, जदों कर्म खंड ते आए आ बाबा जी, उस सुरत करके एक दो जे पह लख होहे लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश, एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए कीस, उस सुरत नाल पौड़ियां चढ़ रहे ने, कर्म खंड ते पहुंचे आ, सतगुरु दा प्रतख दीदार हो रहा है, ते फिर सच खंड दे विच पुजे आ, पढ़े आ पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, श्लोक पढ़दियां पढ़दियां जदों समाप्ति कीती केती छुटे नाल सीस झुकाया, मुड़ सीस नहीं चुकिया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर आप सारी किरिया कीती, आप शरीर का इशनान कराया, अज मेरे सतगुरु के सामने दृश्य लंघ रहा, किवें बाबे बुढ़े की अरदास नाल सतगुरां दा अवतार होया, किवें पहली बार एक ओंकार लिखना सतगुरु जी ने सिखाया, वो बाबे बुढ़े ने तलहीम दिती, किवें तैरन की विद्या, किवें तलवार की विद्या, किवें नेजे की विद्या, ये सारिया विद्यावां बाबा बुढ़ा सिखाउण वाला सतगुरु आप हथी इशनान करा रहे है। ते जदों बाबा बुढ़ा जी दे शरीर नूं पंज भौतिक शरीर नूं चुक के लिजाण दा समा आया, तां उस वेले सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, सिखो एक दिन ओह सी जदों बाबा बुढ़ा जी ने मैनूं पालकी ते मोढा नहीं सी लाउण दिता, अज मेरा चित करदा कि बाबे बुढ़े की आखरी सवारी नूं मैं मोढा लावां। तां सतगुरु महाराज ने आप बाबा बुढ़ा जी की अर्थी नूं कंधा लाया, कानी बने है, अगे हो के बाबा बुढ़ा जी दे अर्थी नूं भाई गुरदास जी, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप मोढा लाया, बाबा बिधी चंद जी ने मोढा लाया, ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप सहज पाठ करवाया उस वेले। इत्थे बाबा जी का दुसहरा आप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सारा आप संपूर्ण करवाया, श्री सहज पाठ करवाया, सारिया क्रियावां आप करवा के सतगुरु जी ने रहमता कीती। अज जे असी आए हाँ जोड़ मेले ते, अज इत्थों बाबे तो सिख के जाइए, इत्थे अपनी होमां छड़ के दुबदा छड़ के इथों बाबा बुढ़ा जी तो सिखिया लै लई, एक गुरु दे चरणी पै के गुरु तो बिना सी होर किसे नू कुछ नहीं जानना, पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने, ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने, ओ सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कह हम एक न जाने, ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तोहे बखाने, आज कह दो अरदास करके सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार, पुत्रां दे दानी धन ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी, तिन्हां दे जोड़ मेले ते तुहाडियां हाजरियां सतगुरु प्रवान करन, लोक परलोक सतगुरु सवारन, सतगुरु जी का समुची संगत का कोटान कोट शुकराना। इथों के मैंबर साहेब, मैनेजर साहेब,
मुख ग्रंथी साहेब, समुचे प्रबंध प्रचारक साहेब, स्टेज सकत्तर साहेब, सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा करनी, हाजरी प्रवान कर लैनी, सारी संगत शीस दिओ, कृपा करो, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।